सचमुच में जो गांव का जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किस प्रकार से लोग मेहनत करते हैं और अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लेपर्ड बहुत जोर से जो है गुर्राया है। दोस्तों देखो, जंगल के बीच में जंगली मुर्गी ये बैठी हुई है, ये चली। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है बहुत आम बात है लेपर्ड का मिल पाना। वह पहले यहाँ पे सिर्फ एक मकान होता था जो सबसे पुराना मकान था, तो मैं आपको उन्हीं के घर पे ले जा रहा हूँ, उनसे थोड़ी सी बातचीत करवाऊँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बढ़िया होंगे। और आप लोग जैसे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए, अभी ये फ्रंट कैमरे में है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है उसको भी कवर कराऊंगा। थोड़ा सा मौसम में थोड़ा क्लाउडी से इसलिए थोड़ा सा डार्क आ रहा है, तो चलिए देखते हैं बैकग्राउंड में कैसा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, है ना ये वाकई में अमेजिंग व्यू। देखिए सचमुच में इतना खूबसूरत पहाड़ी इलाका। देखिए जो आप सामने दिख रहा है आपको, इसको श्याई देवी मंदिर कहते हैं। यहाँ पे आपको देखने में लगेगा ऐसे जैसे एक बाग बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर। ये यहीं पे ठीक यहाँ पे जो है ये मंदिर सिचुएटेड है। और देखिए यहाँ से नीचे उतरते हैं तो ये नदी आती है। कोई समय ऐसा होता था जब हम पैदल इस नदी में जाया करते थे, और मैं दिखाऊंगा अभी रास्ता कहाँ से है। और आज की जो हमारी डेस्टिनी है वो होने जा रही है यहाँ पे इस विलेज में। यहाँ पे हम जाएंगे हमारे एक मित्र हैं उनके पास में, और उनसे बातचीत करेंगे कि वो लोग किस प्रकार से इस जंगल के बीच में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, और उनका रोज़मर्रा का कामकाज क्या रहता है। वैसे वो लोग सारे के सारे खेती बाड़ी पे ही निर्भर करते हैं। और देखिए कितने नीचे है, आपको लग रहा होगा पास में है, बहुत नीचे है पहाड़ के। ऐसे टेढ़े मेढ़े रस्तों से उतरते हुए हम लोग नीचे जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से हम आते हैं इधर, तो यहाँ पे अल्मोड़ा का जो है होटल मैनेजमेंट का एक कॉलेज है, आपको दिख रहा होगा। यहीं पे ट्रेनिंग भी होती है बच्चों की, और यहीं पे वो लोग रहते भी हैं, हॉस्टल भी है। तो इस प्रकार से कुछ अल्मोड़ा दिखाई देता है। और उधर दूर कहीं देखिए आगे आपको ये रोड दिख रही है, यही रोड जो है हल्द्वानी काठगोदाम की तरफ को जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे चलते हैं और देखते हैं आज के इस अद्भुत नज़ारे को। तो दोस्तों अब यहाँ से जो है हम लोग नीचे की तरफ को उतरेंगे, और आप देख सकते हैं अभी इन गायों ने हमारा रास्ता रोक रखा है। इसी रास्ते से होते हुए नीचे को जाएंगे, तो जब तक ये ऊपर आएंगे तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग जो है नीचे को उतर रहे हैं, और अभी मैं आपसे हमारे मित्रों का भी परिचय करवाऊंगा। एक मित्र हमारे खड़े हैं आगे, आप शायद इनको जानते होंगे जरूर से, क्योंकि आपने पहली वीडियो में भी इनकी एक झलक ही देखी थी। ये हमारे बहुत खास मित्र हैं जो हर जगह हमारे साथ में रहते हैं, आते हैं जाते हैं। एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो। अभी साथ में हमारे एक मित्र और हैं जो थोड़ा अभी दूर गए हुए हैं, तो आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये रास्ता होने जा रहा है। और देखिए दोस्तों नीचे हमने उतरना यहाँ से शुरू कर दिया है रास्ते से। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है नीचे को, लेकिन हमको जाना है उधर कहीं जहाँ पे आपको नीचे पेड़ दिख रहे हैं। बहुत नीचे होता है ये रास्ता, चलते चलते पहुँच जाएंगे मंजिल पे। जाने के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम तो खैर आने में भी नहीं आती, लेकिन आते टाइम पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमें बहुत थका देती है। हाँ, अभी आपको हमारे एक मित्र हैं पीछे से कह रहे हैं कि ये वाली चढ़ाई भी दिखाओ, तो वो भी आपको अभी हम दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों ने नीचे को उतरना शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में ही हम लोग अपनी मंजिल पे होंगे। हमारे लिए तो ये रास्ता कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो प्लीज नहीं रहने वाले लोग हैं, इस रास्ते में उतरने में उनको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। सजेस्ट तो नहीं करूंगा आपको, लेकिन एक खाली एक एंजॉयमेंट के लिए आपको मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार का सचमुच में जो गाँव का जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किस प्रकार से लोग मेहनत करते हैं और अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं, और वो सारी सब्जियां दूध जो है वहां से लेकर के ऊपर आते हैं, वो मैं आपको ज़रूर से दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तब आपको पता चलेगा कि मेहनत का इंसान जो होता है वो कैसा होता है और किस प्रकार से मेहनत करता है। आइए चलते हैं नीचे और देखते हैं। और दोस्तों हमारे वो मित्र भी आ गए हैं जो हमारे साथ में अभी जाने वाले हैं, राजू भाई। तो चलिए रास्ते में फिर इनसे भी हेलो और मुलाकात होती रहेगी। देखिए
वहाँ पे बीच में एक जगह में पानी हो रहा है और हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बीच में पत्थर पड़े हैं। देखिए ये छोटा सा देख रहे हैं आप, ये स्पॉट जो है ये पूरा पानी है, पानी का गधेरा है ये और ये पानी है। गधेरा मतलब पानी की छोटे से नाला जैसा बन जाता है यहाँ पे, तो हम लोग पहाड़ी लैंग्वेज में उसको गधेरा कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये देखना, गाँव में जब लोग जो है शाम को घरों के आसपास धुआं लगाते हैं, क्योंकि गाँव में ना वो ये लोग गाय जानवर जब पलते हैं तो उनके आसपास मच्छर ना आए करके थोड़ा सा हल्का सा धुआं लगा देते हैं। कितना मनोरम दृश्य है ना, मज़ा आ गया देख करके, पूरा मज़ा आ गया। वाह 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 भाई वाह। तो दोस्तों ऐसे नीचे को उतरते रहते हैं और आपसे बातचीत करते रहते हैं। मित्रों देखिए पहुँचते पहुँचते हम लोग आ गए हैं नीचे, और देखिए यहाँ पर आपको ये खूबसूरत सी झाड़ी है दिख रही होगी और इसमें कुछ लाल लाल रंग के दाने दिख रहे होंगे, ये काफ़ी जगहों में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भी यहाँ पे है और ये देखिए जैसे यहाँ पे है और ये यहाँ पे भी आगे इन पेड़ों में लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको जो है यहाँ की लैंग्वेज में पहाड़ी में घिंगारू कहते हैं, वैसे हम लोग बचपन में इनको जंगली सेब भी कहते थे, और इनका स्वाद जो होता है वो खाने में बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना खूबसूरत एक ये सिनेरियो बन गया, देखिए यहाँ पे से वाओ है ना बढ़िया। और अभी ऊपर से हमको जो है काफी दूर वो जगह दिख रही थी, अभी देख लिए, अभी वो देखिए मकान जो है थोड़ा सा नजदीक दिखना शुरू हो गया है क्योंकि हम ऊपर से काफी नीचे उतर के आ चुके हैं। बातों ही बातों में रास्ता कब कट जाता है पता नहीं चलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ये छोटा सा पेड़ हो रहा है, ये जो है जंगली क्या कहते हैं मैं नाम भूल गया, जंगली खजूर, माफ कीजिएगा जंगली खजूर। देखिए यहाँ ये खजूर जो है ना खाया भी जाता है दोस्तों, अभी तो ये खजूर यहाँ पे बिल्कुल सूख गया है, सड़ गया, देखिए इसमें ये लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं ये जो है खजूर है, ये जंगली खजूर है, छोटा सा फल ये होता है इसमें, और ये जब कच्चा ही होता है तो हम क्या करते हैं इसको लाके तोड़ करके अपने घर पे लटका देते हैं, और ये हर दिन पकता रहता है, दो दिन दो दाने तीन दाने पकते रहते हैं, तो हम लोग उसको भी आनंद इसका लेते हैं। ये देखिए ढेर सारे यहाँ पे ये हो रहे हैं फल। अगर कहते हैं धरती पे स्वर्ग है तो पहाड़ों में ही है, ये पहाड़ों में हमारे जो है ना स्वर्ग बसता है। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर होटल मैनेजमेंट दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ऊपर रोड से दिखाया था सड़क से, और ये देखिए ऊपर एक ट्रक खड़ा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये ट्रक खड़ा है, तो ये ऊपर जो है रोड है, हम रोड से काफ़ी नीचे आ चुके हैं उतर करके, और मैं यहाँ पर इस गाँव के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए कितना छोटा सा गाँव है, छोटे से मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-6 मकान यहाँ पे हैं और ये पूरा एक गाँव है। पहले यहाँ पे सिर्फ एक मकान होता था जो सबसे पुराना मकान था, तो मैं आपको उन्हीं के घर पे ले जा रहा हूँ, उनसे थोड़ी सी बातचीत करवाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे उन लोगों ने रहे और किस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट किया। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है बहुत आम बात है लेपर्ड का मिल पाना, बहुत ही आम बात है यहाँ पे जो वाइल्ड बोर है वो मिलना, और कई और जंगली जानवर जो है यहाँ पे आसपास में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं और उनसे आगे चल करके बातचीत करते हैं। दोस्तों देखो हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, हम लोग उधर से इन रास्तों से होते हुए आए हैं। देखिए यहाँ पे लोगों ने जो है ये लगा रखा है, देखिए ये सारा का सारा जो है तोरी की बेल है, तोरी है, लौकी है, अभी मैं आपको नीचे घर के पास में कद्दू की बेल भी दिखाऊँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम चलता है गाँव देहात का। दोस्तों देखो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे पानी का क्या रहता है इंतज़ाम, तो ये जो है कुछ देखिए एक टैंक बना करके रखा है जिससे सप्लाई खेतों में पानी की हो जाती है, और ये पानी कहाँ से आता है, ये पानी के लिए वैसे तो इन्होंने पाइपलाइन लगाई है, नहीं तो ये पानी जो है बरसात वगैरह का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा है, पूरा स्रोत का पानी है, पूरा ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग है, HM के नीचे स्प्रिंग है, स्रोत है, वहाँ से इन्होंने पाइप की लाइन ली है और ये पानी
टैंक में ये लोग सेव कर रहे हैं पानी को। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा हाँ, उसमें मछली भी है बता रहे हैं मित्र हमारे, शायद मछलियां भी डाली है। मछलियां डालने का फायदा ये रहता है कि इसमें फिर मछली सॉरी क्या कहते हैं ये कीड़ों के जो है अंडे फंडे ये वो कुछ नहीं होते हैं जब वो इसमें डलता है। तो ये ऊपर वाला ये घर है, देखिए है ना, देखिए दोस्तों कितना घना जंगल है। ये देखिए पेड़ है छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए नीचे झाड़ियां हैं और बिल्कुल झाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए नीचे कितनी झाड़ियां हैं और यहाँ पे आगे जो है ये मकान है जिसके वहां हम जाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों पहुंच तो गए हैं और ये यहाँ पे इसको कहते हैं, आप सोच रहे होंगे ये है क्या, ये बेल में लगता है, इसको भूजा कहते हैं, भूजा। और आपने पेठा खाया ना, जैसे आगरा का पेठा होता है वो होता है, वो इसका बनता है। देखिए दोस्तों ये फ्रूट है, ये देखिए एक जमीन में भी है हो रहा है, एक यहाँ पे नीचे भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पे फलों की और सब्जियों की कोई कमी नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते ही आपको फिर एक पूरी गांव की अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। गोबर मिलेगा देखने को। और यहाँ से होते करते हम लोग आगे नीचे देखिए, यहाँ पे कद्दू की बेल लगी हुई है, इसमें कद्दू होते हैं। मित्र हमारे बैठे हैं और ये हम लोग यहाँ पे से करते हुए घर पे आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में आपको हम लोग घर भी दिखाएंगे और मनोज भाई से बात करवाएंगे। तो देखिए जहाँ का इंतज़ार था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप देखिए नीचे जो है गाय का गोट है और यहाँ पे से अंदर से जो है इनकी भैंस बोल रही थी, देख सकते हैं। ये देखिए ये इनकी भैंस है, और भी जानवर इसके अंदर बंद होंगे। और ये घास रखी हुई है, और ये देखिए ये वही औजार है जिससे घास काटी जाती है। इस प्रकार से इनका आंगन है घर के आगे। यहाँ पे नींबू का पेड़ है, देखिए हम लोग ऊपर से होते हुए नीचे आए हैं। और एक बड़ी मजेदार चीज देखने को मिली, अनार का पेड़। देखिए दोस्तों अनार कितने बड़े यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत बड़े साइज के अनार हैं, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ ये अनार का साइज क्या है। आप सोच रहे होंगे ये छोटा है, ये देखिए दोस्तों मेरा हाथ इतना बड़ा है, ये पूरे हाथ में एक ही दाना अनार का आ रहा है, देखिए। सो अच्छे बड़े साइज का अनार है ना। तो चलिए अब विदाउट लेट किए एक बार मनोज भाई से बात करते हैं, फिर नीचे खेतों में चलेंगे और इनकी साग सब्जी दिखाएंगे किस प्रकार से साग सब्जी होती है, कितनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ में है मनोज भाई, तो मैं चाहूंगा मनोज भाई अपना एक पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, क्या है कैसे नाम वगैरह अपना। मेरा नाम मनोज सिंह हुआ और हम यहाँ पे खतियारी के पास धरसी में बोलते हैं, जो गो में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा जन्म स्थान यही है। हमारे नाना जी लोग हुए वो यहाँ पे बसे। अच्छा, तो जब आप लोग यहाँ पे बसे थे उस समय यहाँ पे कितने मकान हुआ करते? उस टाइम पे यहाँ पे दो ही मकान थे बस, आपका और सामने। एक सामने वाला, वो अभी आपको दिखाऊंगा सामने कहाँ पे मकान है। और मनोज भाई वैसे आपका यहाँ पे व्यवसाय क्या होता है इस जगह में? यहाँ पे मूल व्यवसाय है हमारा सब्जी का और दूध का। अच्छा, दूध और सब्जी का, पशुपालन और कृषि का। तो सब्जियों में यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ हो जाती है जगह में? सब्जी यहाँ पे लोकल सब्जियाँ होती है, जैसे ये मौसमी सब्जियाँ बोते हैं हम लोग, और जैसे ककड़ी है, तुरई है, पालक है, लाई है, इस टाइप की जिस मौसम की जो सब्जियाँ होंगी वो प्रॉपर यहाँ पे होती है। अच्छा, मतलब अच्छी मात्रा में हो जाती है? अच्छी मात्रा में होती है। अच्छा, तो आप सब्जी जो है वो सिर्फ अपने लिए ही उगाते हैं या? नहीं नहीं, यहाँ मार्केट जाती है हमारी सब्जी। अच्छा, मार्केट भी जाती है। तो मार्केट जाने का कैसा होता है, क्योंकि चढ़ाई तो हमने देख ली कि किस प्रकार से रोड तक तो पैदल जाता है। पैदल अपने? अच्छा, तो मतलब वो पैदल मतलब क्या, कोई आप लोग कोई आदमी वगैरह बुलवाते हैं पहुंचाने के लिए, या फिर अपने ही आप लेकर के जाते हैं? नहीं, हम स्वयं करते हैं काम। स्वयं करते हैं? अरे बाप रे। तो एक बार में कितनी सब्जी आप ऊपर ले जा लेते हैं? एक बार में एक आदमी लगभग लगभग 25 से 26 किलो सब्जी ऊपर रोड में डालता है। अरे बाप रे। दोस्तों अकेले चल पाना मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखिए आप इस मेहनत को कि जिस प्रकार से भाई बता रहे हैं कि वो अकेले जो है अपने कंधे पे 20 से लेके 25 किलो सब्जी जो है ऊपर लेकर के जाते हैं, सचमुच में बहुत सराहनीय बात है और बहुत तारीफ़े काबिल बात है। मनोज भाई ने जिस प्रकार से हमें बताया कि पहले जो था सिर्फ यही यहाँ पे रहते थे और एक मकान और था, इस प्रकार से इस जगह को इन लोगों ने डेवलप किया है
और इस जंगल के बीच में मनोज भाई यहाँ पे तो और जंगली जानवर भी होते होंगे। हाँ, जंगली जानवर सारे जंगली जानवर हुए यहाँ पे। अच्छा, उस पर क्योंकि जंगली जानवर से बचाना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जंगली जानवर में क्या ठहरा, जैसे तेंदुआ हो गया, सुअर हो गया, घुरड़ हो गया। अच्छा, तो जब आप सब्जियां लगाते हैं तो यहाँ पे आकर के नुकसान पहुँचाते हैं वो? क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में लगाते हैं, कुछ तो नुकसान करते हैं, कुछ तो छोड़ते हैं। अच्छा, तो नुकसान तो होना लाजमी सी बात है कि जब सब्जियां होंगी तो जानवर जो है अट्रैक्ट होकर के सब्जी खाने के लिए आएंगे ही आएंगे और उजाड़ भी करेंगे, लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में यहाँ पे हो जाती है कि उजाड़ होने के बाद में भी जो है थोड़ा बहुत अपने गुजारे के लिए और थोड़ा बहुत जो है मार्केट के लिए हो जाता है ना। तो ठीक है, बड़े अच्छे लगा मनोज भाई आपसे मिल करके यहाँ पे आकर के। और अगर जैसे कभी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर कैसे करके करते हैं, अस्पताल वगैरह? वो तो हैबिचुअल हो गया ना। अच्छा, सही बात है ना। तो बड़ी अच्छी यहाँ पे आकर के बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही, बहुत शांत प्रिय एक तो जगह है ये यहाँ पे, है ना। तो गाय वगैरह भैंस क्या क्या पाल रखा है आपने? हमारे पास भैंस पालते हैं ज्यादा। गाय है, हाँ, उससे ये होता है कि उसको यहाँ पे बाघ मार देती है। ठीक है। तो चलिए फिर मनोज भाई से बात होती रहेगी, आइए इनका आंगन इधर उधर की जगहें और सारी चीजों को भी जो है कवर करते हैं। ठीक। और दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक मंगलदीप स्कूल जो है वो बन रहा है यहाँ पे। और ये जो है जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनका ये स्कूल जो है यहाँ पे बन रहा है। और ये गडेरी देखिए, कितने बड़े पत्ते गडेरी के यहाँ पे हो रहे हैं। संभल के जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे को, और दिखाते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ बोया हुआ है जो अभी लग रहा है धीरे धीरे लाई है शायद, ये पहाड़ी राई कहते हैं जिसको, बैंगन के पौधे हैं। और देखिए बैंगन अभी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक दो लगे हुए। इस प्रकार से बहुत, अभी तो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे देखेंगे कितना बड़ा एरिया है, कितनी सब्जियां यहाँ पे लगी हुई हैं। देखिए हरी मिर्चाएं, ये हरी मिर्च के पौधे हैं और ये इस मात्रा में इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, पूछिए मत। ये गन्ना हो रहा है ना, और ये तो आपने देख ही लिया है। एक खेत इनका दिख रहा है जिसमें यहाँ पे देखिए माल्टा हो रहा है, ये माल्टा है। माल्टा मतलब, माल्टा सब जानते ही हैं इसका क्या मतलब होता है। और इसके ऊपर बेल लगी हुई है, बेल में तुरई की सब्जी हो रही है, शायद आपको दिख गई होगी तुरई, ये रही बीच में तुरई इस प्रकार से। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नींबू, ये नींबू हो रहा है। तो ये इस प्रकार से है। अभी इनके नीचे खेतों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस मात्रा में यहाँ पे ये लोग सब्जियां उगाते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ को, और नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको दिखाएंगे मनोज भाई ने जो नीचे खेतों में जो अभी सब्जियां लगाई हुई वो दिखाएंगे। देखिए कितने घने जंगल के बीच में से होके जाना होता है, जंगली जानवरों का भी डर होता है, लेकिन सच में इस बहादुरी को दिल से सलाम है। भाई लोग बहुत ही मेहनत करते हैं यहाँ पे, और देखिए मुझको तो सच में डर लग रहा है इसके बीच में से जाने में, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा जानवर निकल के कब आ जाए। देखिए दोस्तों यहाँ से शुरू हो गया है इनकी सब्जियों के जो पेड़ हैं, जो बेलें हैं लगनी शुरू हो गई। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इनमें अभी भी मुझको तोरी जो है दिख जा रही है। ये देखिए फूल अभी भी आया हुआ है इनमें, ये देखिए। अभी और नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको बहुत बड़े एरिया में इन्होंने यहाँ पे लौकी तोरी वगैरह लगाई हुई है। और अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने ये बताया कि काफी इसमें से बहुत सारा तो इन्होंने सप्लाई कर दिया अभी मार्केट में। देखिए ये देखिए एक तोरी ये लटकी हुई है,
बिल्कुल हमारे बराबर बराबर की ही बेलें हैं यहाँ पे लगी हुई है। ये हम नीचे आ गए हैं, बिल्कुल जंगल का एरिया है, इसको इतना अच्छा खूबसूरती से इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इनके खेत हैं ये सारे के सारे, देखिए यहाँ पे बेलें, देखिए तोरियों की और लौकियों की, देखिए इस प्रकार से है। थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं, काफी फिसलन है रास्ते में, ध्यान से उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये सारी तोरी की बेलें हैं। इस जंगल के बीच में इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको आबाद किया हुआ है। और यहाँ पे मनोज भाई, ये जो बेलें हैं अभी जो ये सूख गई हैं, ये क्या है? ये ककड़ी की बेलें। अच्छा, ये सारी की सारी ककड़ी की बेलें हैं जो सूख चुकी हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर मनोज भाई के पास में कोई फोटोग्राफ्स या वीडियोस इनके हों जिसमें बेलों में ककड़ियां और वो लगी हुई थी, तो वो भी मैं आपके वीडियो में इसमें डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितने अच्छी मात्रा में यहाँ पे ककड़ियां भी होती हैं। तो चलिए अब लौटते हैं ऊपर की तरफ को और थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर हम लोग अपने रास्ते को लौट जाएंगे। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। और देखो मनोज भाई ने हमें सूखी बेल में एक ककड़ी लटकी हुई दिखा दी है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जंगली मुर्गियां भी होती हैं जो कि इस ककड़ियों को डैमेज करती हैं। ये देखिए सूखी बेल है, थोड़ा सा पार्ट बच गया तो उसमें ककड़ी लगी हुई है अभी तक भी है। तो सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी मात्रा में यहाँ पे जो है ककड़ियां भी लग जाती हैं। जंगल के बीच में है, सुनसानी है, काफी डर लग रहा है। अब वहां पर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ को लौटते हैं। एक ककड़ी और लगी ऊपर, वो सूख चुकी है और पानी की कोई कमी नहीं है, भरपूर पानी है। आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, जंगल का पानी देखिए, ये आ रहा है यहाँ पर से पानी। आवाज आई है, ये अंदर से पानी आ रहा है इसकी। और मेरे पैरों के पास में तो खैर बह ही रहा है, नेचुरल वाटर है, बेहतर रहता है, बिल्कुल शुद्ध जल। दोस्तों खेतों से ऊपर को चढ़ रहे हैं, नीचे छोड़ दिए खेत, थोड़े से चलने में ही सांस फूलने लगी है। मनोज भाई अभी 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 ये फीवर से ठीक हुए हैं, अभी इनको बुखार था कुछ दिन पहले, अभी अभी ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी ये मुझसे बहुत तेज चल रहे हैं। ये दोस्तों खेत में गए थे, एक ककड़ी मिली खाने के लिए, इतनी मीठी ककड़ी, इतनी बढ़िया घर की ककड़ी खाने को मिल गई थी। बता दो भाई ने हमको अपना घर का एक कद्दू भी दिया है, देखिए ये बहुत बढ़िया। और दोस्तों हम आवाज तो अभी कैप्चर कर नहीं पाए, लेकिन आप विश्वास मेरा मानिए कि अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लेपर्ड बहुत जोर से जो है गुर्राया है। इस स्पॉट पे दिखाता हूँ आपको, ये जो आपको ये पोल दिख रहा है ना, इस स्पॉट पे यहाँ पे वो था और बहुत जोर से दहाड़ा वो। यहाँ पे बीच में पानी का नाला है, आवाज आ रही होगी आपको, पूरा घना जंगल, जंगल के बीच में हम। और देखिए यहाँ से वो रहा ऊपर घर, भाई लोग खड़े हैं वहां पे। बस दोस्तों अब हमारा जो है वापस लौटने का समय हो गया है। दोस्तों देखो जंगल के बीच में जंगली मुर्गी ये बैठी हुई है, ये चली। वाओ मजा आ गया। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे
तो उससे मुझको क्या होगा ना, इनक्रेजमेंट मिलेगा और मैं ऐसे वीडियोस जो है बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अपने पहाड़ी जो खूबसूरतियाँ हैं उसको मैं आपको दिखाता रहूँगा। देखिए कितना खूबसूरत जगह है, और इस जगह में आने का मतलब ये है सचमुच में जो है, हम तो हमें आदत नहीं है ना, तो हमारे लिए तो सच में बहुत बड़ा ख़तरा है यहाँ पे आना। पता नहीं कौन सी झाड़ी से कौन सा जानवर निकल के आ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी हिम्मत करते हैं और यहाँ पे आते हैं आप लोगों को एक खूबसूरती दिखाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।